थोड़ी देर के बाद बीजेपी जारी कर सकती है 100 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। दिल्ली में 4 नए चेहरों को मौके देगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी में भी 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और रमेश भिधोड़ी को टिकट मिलना लगभग तय। हर्षवर्धन और हंसराज हंस को नहीं मिल सकता है टिकट। यूपी में एनडीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक अपना दल एस और आरएलडी के हिस्से में आएगी 2-2 सीटें। पीएम मोदी ने झारखंड को दी 35,700 करोड़ की सौगात। धनबाद की चुनावी रैली में झारखंड सरकार पर किया प्रहार, बोले जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। संदेश खाली कार्ड को लेकर ममता सरकार पर प्रहार भी किया। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी का हमला। शांतनु सेन बोले पीएम बंगाल का पैसा नहीं देते, पश्चिम बंगाल के खिलाफ है पीएम। गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर वार, कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो आएगा राम राज्य। कुणाल घोष ने एक्स हैंडल से टीएमसी हटाया। पहले बायो में टीएमसी जनरल सेक्रेटरी लिखते थे कुणाल घोष, अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिखा। एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। सबसे ज्यादा उद्धव गुट को सीट, वंचित बहुजन आघाड़ी को 2, स्वाभिमान पक्ष 1 सीट पर लड़ेगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से उद्धव गुट को 20 सीट, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। पुणे में शरद पवार ने पार्टी कार्यालय में बुलाई बैठक, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर की चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ की आज से पहले चरण की तैनाती, 3,04,000 से ज्यादा जवानों की होगी तैनाती। इस हफ्ते के अंत में पश्चिम बंगाल और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवान होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा हिमाचल सरकार चलेगी नहीं, इस संकट के लिए कांग्रेस खुद दोषी है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे चंडीगढ़, कांग्रेस के बागियों से की मुलाकात, समर्थन का दिया भरोसा।